हुआ पुत्र? पुत्र क्या हुआ? मां, जो अनुभव मुझे अभी हुआ है उसे शब्दों में मैं कैसे बताऊं? चमत्कारिक क्षण। सत्य कहा था आपने, सत्य कहा था। ये महाभोग सचमुच निराला है। इसका निवाला खाते ही मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि प्रभु ने आकर मेरा हाथ थाम लिया। मैं धन्य हो गया। काना, अब तो हम भी ग्रहण कर सकते हैं ना? आप दोनों भी ग्रहण कीजिए ना, अन्यथा मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा आप और संपूर्ण अकेला ही समाप्त कर दूंगा। और खाने की इच्छा है तो मेरे पास और भी है पुत्र। इच्छा तो है किंतु मांगने में लज्जा आ रही। आप कहेंगे कि पहले खा नहीं रहा था और अब रुक नहीं रहा है। प्रभु के संसार में भोजन के प्रत्येक अंश पर उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है पुत्र। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें ही मिलके रहेगा। देवराज इंद्र के साथ तो इससे भी विपरीत हुआ था। उनका भाग्य ही जैसे रुष्ट था। सर्वप्रथम उन्हें ये महाभोग मिला ही नहीं, और जब मिला तब उन्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ा। और लोगी पुत्र? नहीं माता, आज के लिए मैं तृप्त हूँ। किंतु कथा सुनने से तृप्त नहीं हुआ अभी तक। यदि थोड़ा समय है तो मुझे कथा सुनाइए ना। जब देवराज इंद्र को महाभोग के लिए मूल्य चुकाना पड़ा था, जब महाभोग सभी को मिलने लगा जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, तो प्रभु के भक्त संसार के भिन्न भिन्न भागों से प्रभु दर्शन और प्रभु प्रसाद के लिए आने लगे। और तब भी महाभोग कभी किसी के लिए कम नहीं पड़ा। किंतु एक बार जगन्नाथपुरी क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। यहाँ तक कि मंदिर में रखे हुए अन्न के भंडार भी खाली होने लगे। महाभोग के लिए अनिवार्य है कि जिस अन्न से वो बनाया जाए वो मंदिर के पुजारियों द्वारा यहीं पुरी में उगाया जाए और उसे कहीं बाहर से नहीं लाया जाता। फिर महाभोग पर्याप्त मात्रा में कैसे तैयार हो रहा था? प्रभु श्री हरि नारायण ने माता पार्वती को वचन दिया था कि महाभोग सबको प्राप्त होगा, इसलिए वो कभी कम नहीं पड़ा। किंतु मंदिर के भंडार खाली होने लगे, जिससे तत्कालीन राजा भी चिंतित हो गए। प्रभु, मैंने महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीचा को वचन दिया था, मंदिर की किसी भी प्रथा को भंग नहीं होने दूंगा मैं। किंतु अब इतने समय से संपूर्ण उत्कल प्रदेश में अकाल के संकट का साया है, तो कहीं महाभोग की प्रथा में कोई कमी ना रह जाए। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं ना अपनी प्रजा को भूखा देख सकता हूँ और ना ही ये देख सकता हूँ कि आपके महाभोग में किसी भी प्रकार की कोई कमी आ जाए। आप
अपने इस भक्त की सहायता कैसे करेंगे प्रभु? जहाँ भावनाओं में शुद्धता, जो इच्छा निस्वार्थ हो, तो सृष्टि भी उसे पूर्ण करने में अपना संपूर्ण बल लगा देती है। प्रणाम देवराज। हे देवराज, आपको इस बात का ज्ञात तो होगा ही कि पृथ्वी पे अनेक स्थानों पे अकाल की अवस्था है। यहाँ तक कि प्रभु के अपने स्वयं के स्थान जगन्नाथ जी पुरी में भी वर्षा नहीं हुई है। देवर्षि, अकाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य प्रकृति का तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है। तब प्रकृति समय के नियमों के अनुसार एक नवीन आरंभ करना चाहती। जिस प्रकार वसंत में पतझड़ के बाद ही नए पत्ते आते हैं, इसलिए मैं इसे आपकी इच्छा समझकर भी पूर्ण नहीं कर सकता। प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने के श्री जगन्नाथ जी के आदेश को भंग कर मैं श्री जगन्नाथ पुरी में वर्षा कदापि नहीं करवा सकता। मैंने तो अपना मुख खोला भी नहीं था और देवराज ने स्पष्ट मना कर दिया। अब कोई उपाय तो करना ही होगा। ऋषि, संभवतः मैंने आपको निराश किया होगा। नहीं नहीं देवराज, सचिपति ये आपकी कर्तव्य निष्ठाई है जिसने आपको इस पद पे आसीन किया है। यूं ही नहीं, यज्ञ में आप अपनी नाम की आहुति के अधिकारी हैं। देखिए ना, आपने अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी पुरी के स्थान से भी भेदभाव नहीं किया। वहाँ पे, वो स्थान पे जहाँ पे संसार के विभिन्न विभिन्न छोर से लोग आते हैं प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए, महाभोग प्राप्त करने के लिए, वो जो प्रभु का महाभोग है, वो प्रभु के अतिरिक्त केवल प्रभु के इस परम भक्त को ही प्राप्त हुआ है। इस बात का तो ज्ञात होगा ना आपको। उस महाभोग की प्राप्ति तो बड़े भाग्य से ही संभव है। किंतु देवराज, आप अपनी कर्तव्य निष्ठा पे दृढ़ रहिए और मैं चलता हूं। यदि अवसर प्राप्त हो ना देवराज, तो जगन्नाथ जी पुरी के दर्शन अवश्य करते आइएगा, और महाभोग प्राप्त करने का यदि अवसर प्राप्त हो तो वो भी। आज्ञा चाहूं। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। देवश्री नारद के शब्दों के बाण उचित स्थान पर जाकर लगे। जब देवराज इंद्र को ये स्मरण हुआ कि जो महाभोग देवऋषि पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो वो ईर्ष्या के भाव से भर गए। देवर्षि के शब्दों के बाण कभी खाली नहीं जाते। उनकी चुभन ऐसी चुभी देवराज इंद्र को कि उन्होंने प्रतीक्षा ही नहीं की। देवर्षि के प्रस्थान करते ही देवराज भी पुरी धाम की ओर निकल पड़े। जय प्रभु श्री जगन्नाथ जी पुरी। अब मैं भी एक साधारण भक्त का रूप धारण कर प्रभु के महाभोग को चखूंगा, जिससे आज के बाद देवऋषि नारद को मुझे कुछ भी कहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि मेरे भाग में महाभोग से वंचित रहना नहीं, कदाचित उसे चखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त। श्री जगन्नाथ जी की जय। 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 सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त हो। जय जगन्नाथ। पुजारी जी, यह आपको किसने कह दिया कि मैं सौभाग्य और सुख समृद्धि से वंचित हूं? सब कुछ है मेरे पास। यदि आप कुछ बता सकते हैं तो मुझे ये बताइए, प्रभु का महाभोग मुझे कहाँ प्राप्त हो सकता है? मंदिर के प्रांगण में। धन्यवाद। पुजारी जी, प्रसाद बांट रहे।
का भोग मुझे भी अवश्य प्राप्त होगा। क्या हुआ पुजारी जी, आप रुक क्यों गए? आप प्रभु का महाभोग मुझे परोस क्यों नहीं रहे? क्षमा कीजिए, हमारे पास इतना ही महाभोग था, दुर्भाग्यवश आपको यहाँ आने में विलंब हो गया। लेकिन पुजारी जी, ये कैसे संभव? मैंने तो सुना है कि महाभोग कभी भी कम नहीं पड़ता, जो भी यहाँ आता है उसे अपने भाग्य अनुसार महाभोग प्राप्त होता है। हाँ अवश्य, आपका सौभाग्य होगा तो आपको भी मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। सत्य है, यदि कुछ भाग्य में ना हो और उचित समय मार्गदर्शन करने पर भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि उसे अनसुना कर मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है। देवराज इंद्र भी इसी तरह मंदिर के प्रांगण में यहाँ वहाँ भटककर महाप्रसाद ढूंढ रहे। बहुत समय ऐसे ही भटकते रहने पर अंततः देवराज इंद्र के मन की आस फिर बंधी, जब उन्हें एक पुजारी दिखाई दिए। प्रणाम पुजारी जी। कल्याण हो वत्स। पुजारी जी, मुझे महाप्रसाद चाहिए, क्या आप मुझे एक पात्र प्रदान कर सकते हैं? क्षमा करें, यह सब महाराज के लिए है। महाराज? तो महाराज है तो क्या हुआ, मैं भी तो इंद्र। इंद्र? मेरा अर्थ है कि मेरा नाम इंद्र है। देखिए पुजारी जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और बड़े समय से मैं महाप्रसाद की लालसा में भटक रहा हूँ। यदि एक पात्र आप मुझे प्रदान कर देंगे तो आपकी आपकी बड़ी कृपा होगी। जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे ही मिलता है। ये पात्र मैंने महाराज के लिए निकाल रखे हैं। ये पात्र किसके भाग्य में है ये सब नियत है, मैं इन्हें किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन पुजारी जी, आपके महाराज इतने सारे पात्र अकेले थोड़ी ना ग्रहण कर पाएंगे। जो यहाँ नहीं पहुँच पाते दुर्भाग्यशाली एवं अभागे होते हैं। इस भीषण अकाल के समय जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा उन्हें बांटते हैं महाराज इन्हें। शारी जी, यदि बांटना ही है तो थोड़ा सा आप मुझे भी तो दे सकते हैं, इतना कि मैं उसे चख सकूं। मेरे पास सूखा प्रसाद है निर्माल्या। महाभोग के समान ही महत्व है निर्माल्या का। किसी मरते हुए व्यक्ति को यदि ये मिल जाता है तो अपने पापों का परिणाम भोगने के बाद सीधा स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग तो मुझे पहले से ही प्राप्त है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु का महाभोग चाहिए। तो फिर देवराज इंद्र ने क्या किया? क्या उन्हें सैनिकों से महाप्रसाद मिल सका? उस महाभोग की प्राप्ति तो बड़े भाग्य से ही संभव है। आपका सौभाग्य होगा तो आपको भी मिलेगा। तो अभी भी का महाप्रसाद प्राप्त नहीं कर पा। व्यक्ति जिसके योग्य ना हो, जो उसके भाग्य में ना हो, उसकी लालसा में उसके पीछे भागने के कारण जो उसे मिलता है या मिलने वाला होता है वो भी खो देता है। किंतु इच्छा शक्ति से, कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है, परंतु वो भी तभी संभव है जब सत्य को स्वीकार कर यदि कोई भूल हुई है तो उसे मान कर उसे सुधारने के लिए उसके अनुसार कर्म किया जाए। एक पुष्प। एक पुष्प। ये तो पुजारी जी ने मुझे दिया था। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, प्रभु के चरण पुष्प ही उनका आशीर्वाद है। सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त हो। जय जगन्नाथ। उन्होंने उचित कहा।
बिना प्रभु के आशीष के मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। इस पुष्प को और हिमालया को अस्वीकार कर मैंने प्रभु के आशीष को और अपने अपने सौभाग्य का तिरस्कार किया है। मुझे ज्ञात ही नहीं मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, कृपा कर आपका महाभोग प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। कहो भक्त महोदय, आपको महाभोग प्राप्त हुआ? आप आनंद बाजार क्यों नहीं गए? वहां तो सदा ही महाभोग का प्रसाद मिलता है। आनंद बाजार? आनंद बाजार वो स्थान जहाँ सूपकारों द्वारा महाप्रसाद का विक्रय होता है। वो ब्राह्मण जो आरंभ से महाप्रसाद की तैयारी करते हैं, उसे पकाते हैं, फिर महाभोग भगवान को अर्पित करने के बाद जहाँ उसका विक्रय होता है वहाँ ले जाते हैं। इसी से उनकी जीविका चलती है। मंदिर के अहाते में उसके उत्तर पूर्वी सिरे पर आनंद बाजार है, जो संसार का सबसे बड़ा खुला भोजनालय है, जहाँ प्रतिदिन अनेकों भक्त महाभोग क्रय करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ जी पुरी के निकटवर्ती क्षेत्र के अधिकांश निवासी अतिथियों का सत्कार भी महाभोग से ही करते थे। विवाह आदि शुभ अवसरों में भी महाभोग से ही भोज का आरंभ होता और इसके लिए सूपकार उनसे अपने श्रम के लिए थोड़ा धन भी प्राप्त करते। अर्थात एक प्रकार से ये वो स्थान था जहाँ प्रभु के प्रसाद के रूप में आनंद का क्रय विक्रय होता था, इसीलिए इसे आनंद हाट भी कहते थे। कितना अद्भुत है ये आनंद हाट। यहाँ तो सभी को महाभोग प्राप्त हो रहा है और कितने संतुष्ट होकर लौट रहे हैं लोग यहाँ से। प्रभु, मेरी बस एक ही प्रार्थना है, इस बार कोई बाधा ना उत्पन्न हो, किसी भी स्थिति में मुझे आपका भोग प्राप्त हो जाए। प्रणाम। आपको एक और पात्र चाहिए? हाँ। कोटि-कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि-कोटि धन्यवाद। अंततः महाप्रसाद के रूप में मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो ही गई। सुनिए महोदय, अरे धन तो देते जाइए, हमारे श्रम के लिए जो आपको योगदान देना है वो तो देते जाइए, अन्यथा ना ही आपको इस महाभोग का स्वाद मिलेगा और ना ही इसके खाने का पुण्य। महोदय सुनिए तो, महोदय तुम तनिक मेरा स्थान देखो, मैं अभी आता हूँ। अरे महोदय सुनिए, मेरे सौभाग्य की धारा तो मानो जैसे खुली गई। जितना महाभोग मुझे प्राप्त हुआ है इतना तो देवऋषि नारद को भी नहीं प्राप्त हुआ होगा। कहां जा रहे हैं आप? कहां से क्या मतलब? अरे मेरा अर्थ है कि धन रूपी योगदान दिए बिना आप जा कहां रहे हैं? योगदान? वो भी धन के रूप में? अब समझे नहीं, प्रभु का महाभोग जो आपने मुझसे क्रय किया है उसके लिए या तो मुझे धन दीजिए, नहीं तो मेरा महाप्रसाद वापस दीजिए। प्रभु का प्रसाद प्राप्त करने के लिए धन देना, ये मैंने आज तक कभी नहीं सुना। आप हटिए मेरे मार्ग से। महोदय, महोदय सुनिए, अरे महोदय आप समझे नहीं, प्रभु का महाप्रसाद तो अमूल्य है और उसके लिए मूल्य भी नहीं लगा रहे हैं हम, किंतु हम और हमारा परिवार उसके लिए सामग्री बनाने में जो श्रम करते हैं उसे तैयार करते हैं और आनंद बाजार ले जाकर उसका वितरण करते हैं, और प्रभु उसके फल स्वरूप अब भक्तों के माध्यम से हमें जो धन देते हैं उससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। देखिए महोदय, आपका ऐसे चले जाना उचित नहीं होगा। किसी के श्रम के लिए उसका मूल्य ना चुकाना उचित नहीं है, पाप कर्म है ये, और प्रभु के स्थान पर आकर मैं आपको ये पाप कर्म कदापि नहीं करने दूंगा।
रुकिए महोदय, आप जहाँ भी जाएंगे ना, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे सुनिए ना, अब और चला नहीं जा, बहुत थक गया हूँ। रुकने पर बाध्य हो ही गए ना आप, मैंने कहा था ना आपसे मैं आपको बिना धन लिए जाने नहीं दूंगा, वो भी ऐसे अकाल के समय में। आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? मैं इस भूलोक का वासी ही नहीं, मेरे पास यहाँ का धन नहीं। वाह, भूलोक के वासी नहीं है किंतु भोजन भूलोक का ही करना है। अरे अच्छा परिहास है ये, आप भूलोक के वासी नहीं है तो ठीक है, मैं भी स्वर्ग लोक से सीधा नीचे आया हूँ। अरे भाई, मुद्रा किसी भी लोक की हो दे दीजिए, मुझे ज्ञात है इस स्थिति में सबके पास अधिक धन नहीं है। आशय बात अभाव की नहीं, और ना ही हम समृद्धि से वंचित। अभाव नहीं है तो मुझे मेरा धन दे दीजिए, मुझे मेरा धन मिल जाएगा और आपको पुण्य दोनों का ही लाभ होगा। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है, मैं इस लोक का वासी नहीं, और ये बार बार धन मांग कर आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, आप मुझे जाने दीजिए। जाने दूंगा यदि आप मुझे विश्वास दिला दें कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। कौन हैं आप, कोई देवता हैं क्या? मात्र देवता ही नहीं, स्वर्गाधिपति देवराज जेंद्र हूं मैं। प्रणाम देवराज इंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो क्या आप अब भी मुझसे धन मांगेंगे? क्षमा कीजिएगा देवराज इंद्र, किंतु नियम तो नियम होते हैं, देवता हो या मनुष्य, सभी को श्री जगन्नाथ पुरी जी के नियमों का पालन करना होता है, और यदि किसी ने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया तो परिणाम तो आप भी भली भांति जानते हैं। सराहनीय, किंतु मैं आपको धन नहीं दे सकता, आप इसके अतिरिक्त मुझसे कुछ और मांग सकते हैं, जैसे कि मेरे आभूषण। देवराज, आपके आभूषण व्यर्थ है मेरे लिए, यदि इन्हें मैं बेचने भी गया ना तो लोग मुझे चोर ही मानेंगे। तो फिर क्या दे सकता हूं मैं आपको? देवराज इंद्र है ना आप, जल वृष्टि के देवता, और आप वचन देते हैं कि आपके पास जो है मेरे मांगने पर अवश्य देंगे। मैं आपको वचन देता हूं, आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको कदापि मना नहीं करूंगा। तो मुझे वरदान दीजिए कि इस अकाल स्थिति से निपटने के लिए जहां भी मेरी इच्छा हो वहां मुझे वर्षा कराने की शक्ति प्राप्त। वचन दिया है आपने देवराज ने, उचित है, मैं आपको वरदान देता हूं, उत्कल क्षेत्र के साथ श्री जगन्नाथ जी पुरी में जब तक अकाल की स्थिति बनी रहेगी, आप जब चाहें जहां चाहें अपनी इच्छा के अनुसार वर्षा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार देवराज इंद्र को महाभोग पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा महादेव ने कहा था, जो भी होता है उसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा होता है। वरदान मिला है मुझे, वरदान, देवराज इंद्र से वरदान मिला है मुझे, देवराज इंद्र से इच्छा वर्षा का वरदान, मैं जब जहां चाहूं वर्षा होगी। अकाल की स्थिति बड़ी विकट है भैया, सब कष्ट में हैं, संभालो स्वयं को। हाँ भैया, अपना मानसिक संतुलन संभालिए। कल्पना की उड़ान अच्छी है किंतु इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारी कल्पना हमारा उपहास बना दे। अरे शांत हो जाइए आप सभी, शांत हो जाइए, और देखिए आनंद बाजार में अभी वर्षा हो जाए। Ha 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 ha!
क्या हुआ, हो गई वर्षा? यही था तुम्हारे इंद्र का वरदान? भैया दिया था भगवान इंद्र ने वर्षा का वरदान। भाग्य में हो तो सोच भी सच हो जाती है। अद्भुत घटना है ये, महाराज को इसकी सूचना देनी होगी। मेरा मंत्रिमंडल मुंह लटकाए खड़ा है, अर्थात अकाल से निपटने का किसी के पास कोई सुझाव नहीं है। एक ही उपाय है महाराज, निकट के क्षेत्र से अनाज लाने का। यहाँ की परंपरा आपको ज्ञात नहीं है क्या? प्रभु का महाभोग पुरी में उगाए सात्विक अन्न और वनस्पतियों से ही पकता है। मैं इस परंपरा को भंग नहीं कर सकता, कोई और सुझाव दीजिए। प्रणाम महाराज। ऐसी क्या महत्वपूर्ण सूचना है जो इस सभा में तुम अकस्मात चले आए? इस अकाल स्थिति से निपटने का समाधान महाराज। स्वप्न तो नहीं देख लिया तुमने? असंभव है ये। मंत्री महोदय, असंभव को संभव बनते मैंने स्वयं देखा अपने नेत्रों से। जब सूपकार जी ने कहा कि आनंद हाट क्षेत्र में वर्षा हो जाए, भ्रम हुआ होगा तुम्हें। इसका सत्य सत्य अभी पता चल जाएगा। जाओ उस सूपकार को यहाँ लेकर आओ। मेरे जैसा कोई नहीं इस संसार में, जहां चाहूं वर्षा करवा दूं। महाराज ने आपको बुलाया है। महाराज को स्वयं आना चाहिए। जो शक्ति इनके पास है उसके बाद महाराज से बड़ा स्थान है इनका, इनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। जाओ, जाओ। जाकर अपने महाराज से कह दो कि वो स्वयं आकर अभिवादन करें मेरा। आप स्वयं ही महाराज से कह देना। किंतु अभी तो चलना होगा हमारे साथ। भ्रम फैलाने का आरोप है आप पर। किंतु अपार शक्ति के साथ दायित्व भी बड़े होते हैं। अहंकार सदा सर्वनाशी होता है और सूपकार जी को भी देवराज इंद्र से वरदान पाकर अहंकार हो गया था। और जब कोई अहंकार से ग्रसित होता है तो उसका विवेक मर जाता है। वरदान तभी मिलते हैं जब भगवान और भक्त के बीच में कोई नाता हो। ये नाता ही टूट जाए तो समय आने पर वरदान भी काम नहीं आते। ईश्वर की दृष्टि में सभी एक समान होते हैं। उनके सामने अहंकार और शक्ति का कोई स्थान नहीं है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.